गाइस तो चलो करते हैं अपने फेस का मेकअप। वैसे मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ, इस वजह से थोड़ी सी लाइटिंग में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ना मेरे पास रिंग लाइट तो है नहीं, तो मैंने कुछ बहुत जुगाड़ करके अपने सेटअप को स्टार्ट किया और तैयार किया मतलब, और फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। गर्मी बहुत ज़्यादा तो मेकअप करने का मन नहीं हो रहा था, बट यहाँ पे एसी लगी हुई है ना, तो सोचा चलो थोड़ा सा मेकअप का वीडियो बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेकअप कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा लुक रखने की कोशिश की। अच्छा, आज मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहनूंगी, बहुत टाइम बाद साड़ी पहन रही हूँ मैं अपनी मम्मी की। तो यहाँ पे ना डार्क सर्कल थे, उसको छुपाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है। ये ना बहुत ही अच्छा कवरेज दे देता है और बहुत ही मतलब नेचुरल लगता है। ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर किया है और इसका रेट ना बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत ही कम रेट में मुझे मिल गया था, बट ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। वो मेकअप करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है और नहीं भी है। मेकअप मैं तभी करती हूँ जब वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ, क्योंकि ऐसा तो मेकअप घर में करके कोई नहीं रह सकता है यार, क्योंकि मेकअप करने से ना स्किन भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है। इस वजह से मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती, तो मेकअप मैं बस उतना करती हूँ जितना मुझे वीडियो बनाना है। यहाँ पे ये जो मैंने 925 की लैक्मे की क्रीम लगाई है ना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ही सिंपल सा लुक। मैंने यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे बहुत ही सिंपल सा मेकअप करना था और मुझे बहुत ज़्यादा वाइट वाइट फेस नहीं करना था, तो मैंने अपने हाथ से ही पूरे फेस पे क्रीम लगा ली थी और ये ना बहुत नेचुरल लग रहा था। अगर आप इस तरीके से मेकअप करोगे ना तो बहुत ही नेचुरल लगता है। और मुझे इसके बाद रील्स वगैरह शूट करनी थी, तो यार काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ था, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा मेकअप होगा। और पता है क्या होता है कि जब हम लोग मेकअप कर लेते ना तब तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा ही था कि मैं जब घर जाऊंगी ना तो साड़ी का लुक करूंगी, क्योंकि साड़ी पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने ना काफ़ी लाइट साड़ी पहनी है। अगर आप लोगों की इस वीडियो पे ना बहुत सारा प्यार दोगे और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करोगे ना, तो मम्मी की मैं ना बहुत पुरानी वाली साड़ी पहन के आपको उसका लुक दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेकअप मैंने काफ़ी सिंपल इसलिए रखा था क्योंकि साड़ी ना बहुत लाइट वेट और बहुत सिंपल थी, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ किया क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर नहीं आई हूँ अपने साथ। यहाँ पे बहुत ही कम प्रोडक्ट से मैंने मेकअप करने की कोशिश की कि मेरा मेकअप भी अच्छा लगे और मैं मेकअप कर भी लूँ। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ना ये फेस पाउडर यूज़ किया था, यार ये फेस पाउडर इतना अच्छा, और आपको बताऊँ ना तो ये मेरी शादी का फेस पाउडर है और ये ना बहुत ही अच्छा मतलब मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। फिर मैंने अच्छे से पूरे फेस पे लगाया था यार, और यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि मैं सिंपल ही रखूँ, ज़्यादा मैं करने की आइज़ का जो मेकअप था ना वो थोड़ा सा हैवी कर लिया था, क्योंकि आप अगर अपनी आइज़ को और लिपस्टिक को डार्क रखोगे ना तो फेस पे जो आपने मेकअप किया है ना वो काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी आईज़ पे अच्छे से आई शेडो लगा लिया था, मुझे ज़्यादा नहीं करना था तो मैंने थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ किया था। ये वैसे साड़ी में तो था नहीं कलर, बट मैंने फेविक कर लिया था। देखो सामने मिरर रखा था, मेकअप करने का कोई भी मूड नहीं था मेरा ना, क्योंकि दोपहर थी और आपको पता है इस टाइम बहुत आलस वाले टाइम चल रहा है क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आती है, पर मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और इसके बाद जो वीडियो आएगा ना वो मैं स्किन केयर कर डालूंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो मेकअप पूरा डन हो चुका था, तो कैसा लगा ये आई मेकअप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हो, तो मुझे भी पता चलेगा आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हो। आई मेकअप मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा था यार, और यहाँ पे आई मेकअप कम्प्लीट हो चुका था, थोड़ा सा मैं सिमरी लगा रही थी अपनी आईज़ पे, और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लगाया था। आज मैंने ब्रश नहीं लगाया था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था ब्रश लगाने का, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगाया था और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने से देखने में बहुत अच्छा लगता है और कैमरे में इतना क्लियर लुक नहीं आता है, तो सामने से जो मेकअप हुआ था ना बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली। हो सकता है कि लाइटिंग की वजह से या कैमरे में इतना समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे बहुत प्यारा मेकअप हुआ था।
लाइनर का यूज़ नहीं किया था, इस वजह से अपनी आई जो मेकअप है ना वो थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग किया था कि मुझे लाइनर का यूज़ ना करना पड़े। उसके बाद मैंने मस्कारा लगाया था क्योंकि जो हमारी आई लैसेज है ना वो थोड़ी सी और बड़ी बड़ी हो जाए क्योंकि मेरी आई लैसेज छोटी हैं इस वजह से। और फिर यहाँ पर मैंने ना आईब्रो पेंसिल लगाई, बहुत ही सिंपल सी लगाई थी, बहुत ही हल्की लगाई थी सॉरी। उसके बाद ना मैंने लिप कलर लगाया क्योंकि लिपस्टिक लगानी थी। लिपस्टिक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद है लिपस्टिक लगाना। मैं कोई मेकअप करूं या ना करूं, बाकी मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़र कर लेती हूँ डेली बेसिस पे, उसके बाद मैं लिपस्टिक ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि लिपस्टिक से ना फेस बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप अगर कोई मेकअप नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है, तो आप सिर्फ लिपस्टिक लगाइए और यकीन मानिए कि आपका फेस ना बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लिपस्टिक लगा लो ना तो आपका फेस जो है ना वो ग्लो करने लगता है। मेरे साथ ऐसे ही है कि जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना तो मेरा फेस ग्लो करने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो मैंने लिपस्टिक पहले लगाई थी ना तो वो बहुत ज़्यादा का कलर ना थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैंने ना थोड़ा सा मिक्स करके जो ब्राउन कलर है वो मिक्स किया और ये बहुत ही प्यारा लिप कलर आ गया था। फिर मैंने ये एप्पल वाले अपने ना इयररिंग्स पहने, ये मैंने दिल्ली से ही लिए थे, लोकल मार्केट से लिए थे, ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं अभी तक में। और ये देखो कितना प्यारा लुक लग रहा है ना। अच्छा मेकअप बताना आप लोग मेरा पीस कैसा लग रहा है। ये है मेरी मम्मा की साड़ी जो मैंने पहनी थी, बहुत पसंद है ये। मैंने मीशो से मैंने नहीं करी मम्मा ने मीशो से ली थी। और जब मैंने इस साड़ी को पहना ना, इस साड़ी को पहनने के बाद ऐसा फील ही नहीं होता कि आपने कुछ पहन रखा है क्योंकि ये बहुत हल्की है, इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है, मुझे बहुत पसंद है। तो जब मैं घर आती हूँ ना तो मैं साड़ी को ज़रूर एक बार ट्राई करती हूँ और इसको पहनने के बाद मैंने ना काफ़ी अच्छे से, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका पल्ला जो है इस तरीके से रखूँ या ओपन ही कर लूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसके पल्ले को ना ओपन ही कर लेते हैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैं चूड़ी वगैरह लेकर नहीं आई थी तो मैंने सिंपल सा लुक रखा था अपना।